गाइस वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं शिवानी व्लॉग्स। और बताएं आप सब लोग कैसे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है। ये आज का व्लॉग जो है, ये छठ की पूजा थी, जिस दिन छठ पूजा थी उस दिन का ये व्लॉग है। और मैं थोड़ा सा बिजी थी, एडिट व्लॉग मतलब मेरे वीडियोस बने हुए रखे थे पर मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई आपको थोड़ा लेट मिल रहा है ये व्लॉग। एंड आज का मेरा फास्ट है और बस मैं नहा करके तैयार हो रही हूँ हल्का सा, एंड उसके बाद जल्दी से करूँगी पूजा की तैयारी। और बस थोड़ा थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, एंड कुछ कुछ पूजा का सामान लेने भी जाना था मैं, तो तैयार होने के बाद मैं कुछ सामान लेने भी गई पूजा का। एंड जैसा भी जो भी सामान मुझे यहाँ मिलता है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। मतलब कि यहाँ जैसा हमारे घर में पूजा होती है उतना सारा सब सामान यहाँ मिलना, मतलब इतना ईजिली नहीं हो, मिलना मुश्किल होता है। दैट्स वाई मुझे जैसा भी होता है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। एंड बस मैं रेडी हो गई हूँ, बाल मेरे अभी गीले हैं। एंड इस पूजा में क्या होता है ना कि दोने चाहिए होते हैं, जिसमें चाट वगैरह मिलती है, पत्ते वाले दोने, तो वो यहाँ पे मुझे मिलना मुश्किल थे। तो मम्मी ने मुझसे बोला कि केले के पत्ते तो यहाँ बहुत ईजिली मिल जाते हैं, वो तो हर जगह मिल जाते हैं, तो केले के पत्ते के दोने बना लो। तो मैंने एक केले का पत्ता लेकर के आई, मैं उसके ऐसे काट काट करके दोने बना रही हूँ। मैं ये 6 बनाने थे तो मैंने ये बना लिए हैं। ये देखिए, ये कटोरी टाइप मैंने इनको बना लिया है। एंड बस अब तैयारी करते हैं पूजा की। तो ये चौक पूर रही हूँ मैं, एंड बैठ के पूजा करूँगी नीचे। सो नीचे मैंने साफ़ करके पानी से और चौक पूर लिया है, उसके ऊपर ये मैं पट्टियाँ रख लूँगी एंड सब कुछ सामान जो है इकट्ठा यहाँ करके रख लूँगी, जिससे बीच में उठना ना पड़े। तो ये जो दोने मैंने बनाए हैं ना, इनमें जो भुने हुए चने, मटर, दाल एंड जो फूला होते हैं पॉपकॉर्न, वो एंड एक दो चीज़ें और होती हैं, वो सब रखा जाता है। पर मेरे पास जो जो था मैंने वो रख लिया, चने और दालें, मटर और पॉपकॉर्न, ये सब एंड बनाना एंड जो कोकम्बर खीरा है उसको भी कट करके रख लिया। तो ये सब मैं इनमें 6 कटोरियों में भर करके रखूँगी। एंड देवी जी को रख लूँगी यहाँ, दुर्गा जी की मूर्ति है मेरे पास, उनकी पूजा करूँगी मैं। और फूल रख लिए हैं प्लेट में, हल्दी, लोली, चावल, ये सब रख लिया है। एंड दीपक रख लिया है, अगरबत्ती रख ली है और आरती की बुक एंड जो कहानी पढ़नी है उसकी भी बुक मैंने यहाँ रख ली है। एंड एक कटोरी में घी एंड शक्कर को भी मिला करके प्रसाद लगाना होता है, तो वो भी मैंने मिक्स करके रख लिया है। सो बस इतना सब मैंने करने के बाद क्या बोलते हैं, बस यही सब मैं कर रही थी। इकट्ठा करके मैं बैठूंगी, जिससे कि बार बार बीच में उठना ना पड़े, क्योंकि मुझे खुद ही करने के लिए उठना पड़ेगा बीच में जो भी मुझे चाहिए। और बस ये मैंने भगवान जी के पोशाक रख ली है, बिकॉज़ इन भगवान जी को पोशाक भी मुझे पहनाना था। मैंने एक्चुअली कल क्या किया था, कल सारे भगवान जी, पूरा मंदिर मैंने साफ़ किया था, भगवान जी को नहलाया था साफ़ करके सब, और इनके जो कपड़े थे दूसरे वाले जो पहने हुए थे उन्होंने, वो वॉश करके रख दिए थे। और दूसरे ये वाले कपड़े में जो नए पोशाक है वो मैं इनको अभी पहना देती हूँ। एंड मेरे ये देखिए, मैंने दुर्गा जी की मूर्ति रख ली, उसके पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हो ना, ये पोस्टर बनाया है मैंने खुद से। इसमें दो पता नहीं देवी जी बनी हुई हैं, बीच में तुलसी का पौधा, गाय। आज की पूजा में ये होता है कि गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, ये सब नहीं खाते पीते हैं। एंड जो चीज़ें जड़ों से उगती हैं, फल फ्रूट से जो भी है, वो सब चीज़ें नहीं खाते हैं। दैट्स वाई ये जैसा मम्मी लोग बताती मैं वैसा कर लेती हूँ। तो बस मैं देवी जी को खूब जल चढ़ा के एंड हल्दी लोली चावल लगा दिया मैंने, दिया जला लूँगी मैं। और आप ये देख रहे हो, मैंने इसको ये हवन करने के लिए उसको भी रख लिया है। एंड 6 कटोरियों में सारा जो सब कुछ है वो भर के रख दिया मैंने प्रसाद के रूप में। एंड घी और चीनी का भी मैंने प्रसाद लगा दिया है। अब मैं कहानी पढ़ लूँगी जल्दी से, तो बुक में भी टीका लगा दूँगी, दीपक जला दूँगी, अगरबत्ती जला दी मैंने, होम भी कर दिया है, हवन वो भी कर दिया है। और बस जल्दी से कहानी पढ़ लूँगी, और उसके बाद कहानी पढ़ने के बाद मैं कर लूँगी जल्दी से आरती। एंड बस अब आरती कर लेंगे जल्दी से, तो पूजा हो जाएगी हमारी। और आज का जो मेरा फास्ट है उसमें पूरा दिन व्रत रखते हैं आप। दूध, भैंस का दूध, दही, ये सब खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, एप्पल, बनाना, ये सब। एंड बस रात में एक चावल आते हैं वो खाने होते हैं, तो छोटे छोटे से वो मैं घर से ही लेकर के आई थी, बिकॉज़ यहाँ पर मिलते नहीं हैं। सो
तो मैं रात में बनाऊंगी तो वो खा लेंगे। एंड ये दूसरे दिन का आप क्लिप देख रहे हो, उस दिन तो फिर और कुछ स्पेशल किया नहीं, फास्ट था, कुछ बनाना भी नहीं था, कुछ ऐसा नहीं, तो बस ये दूसरे दिन मैंने बनाए थे भरवा बैंगन, तो इनको मैंने फ्राई कर लिए हैं और प्याज लहसुन अदरक टमाटर का मसाला ये सब डाल करके बस बैगन को मैं इसमें डाल दूँगी और ढक करके 10-15 मिनट तक स्लो फ्लेम में पकाऊँगी, जिससे कि जो मसाला है वो बैगन के अंदर अच्छे से फिल हो जाएगा। एंड बस बहुत अच्छे बने थे भरवा बैगन। पूरा रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। एंड बस यही है, ये देखिए मैंने ढक दिया था और ये कितने अच्छे से इसकी जो ग्रेवी है वो थिक हो गई है एंड बैगन भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। और जो मैंने तेल में फ्राई किए थे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तक की फ्राई नहीं करना है, उनको आपको मतलब 40-50% तक की फ्राई करना है, बाकी का मसाले में डालने के बाद फ्राई हो जाते हैं। एंड ये ग्रीन वाली दाल बनाई है मैंने, तो उसको हल्दी नमक डाल करके पका दिया था और बस हींग जीरा और लौंग से कूट करके घी में और उसका तड़का लगा दिया है। अब हम निकल गए हैं, अब रात का टाइम हो गया है तो हम निकल गए हैं थोड़ा सा बाहर। और ये देखिए शुभम, शिवा, अथर्व एंड शिवम भी आ रहे हैं, तो हम थोड़ा टहल टहल कर ही निकले थे बाहर। और बस ऐसे ही हम बाहर निकले और जैसे ही हम आधे रास्ते पहुँचे ऐसे टहलते टहलते और ये होने लगी थी बारिश। मतलब हम टहलने के पर्पज़ से ही निकले थे, 1.5 किलोमीटर तक की खाने पीने के लिए कुछ गए थे। शिवम ने बोला चलो चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए और बस बारिश होने लगी बीच में, तो हम यहाँ खड़े हो गए। फिर हमने ऑटो लिया, मतलब 15-20 कदम पर ही थोड़ा सा था तो, लेकिन हमने ऑटो किया और फिर हम यहाँ आ गए। खड़े रहने से अच्छा है कि मैं अंदर आ करके बैठ के खाना स्टार्ट कर दें। तो बस हमने वड़ा सांभर, इडली सांभर और क्या बोलते हैं ये देखे भटूरा, कितना बड़ा छोले भटूरे मंगाए थे और अथर भी खा रहा था, सब लोग खा रहे हैं, हम भीगे हुए वैसे भी थे और गर्मा गर्म खाने में मज़ा आ गया। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं भीग पाए थे, हम खड़े हो गए थे दैट्स वाई, पर फिर भी मतलब ठीक था। सोचा था टहलते टहलते जाएंगे, खा पी करके फिर टहलते टहलते आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। और ये मैंने मनचाऊ सूप मंगाया था, ये है मंचूरियन, छोले भटूरे, इडली वड़ा एंड नूडल्स भी आए थे बाद में। और बस हम ये सब इन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और सबको भी खिलाती जा रही हूँ। वो थोड़ा सा भीग गया था, मतलब हल्का हल्का वो बच्चों को थोड़ा इरिटेशन सा होने लगता है, तो उसको फ़ोन दे दिया खोल के, दैट्स वाई थोड़ा सा वो एक जगह बैठा रहेगा और उसको मैं खिला भी दूँगी अच्छे से। एंड बस यही सब चल रहा था और कुछ नहीं। तो बस ये हमारे नूडल्स भी आ गए थे बाहर में, हमने खा लिया सब कुछ, उसके बाद हम कैब बुक करके घर आए थे। तो या गाइस यही था मेरा आज का ये वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आप मेरे चैनल में आए हो नए